नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्क राशि वालों, दोस्तों मजाक समझने की गलती मत करना। अगले 72 घंटों में आप सभी के जीवन काल में जो भी घटनाएं होने वाली हैं, दोस्तों आप उन्हें कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। ये दोस्तों आपको बता दें कि अगले 72 घंटों के दौरान माँ सरस्वती के पावन पर्व का दिन है। माँ सरस्वती के पावन समय है। दोस्तों यह समय माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में अवश्य पड़ेंगे और यह समय आपकी एक गलती आपको बहुत ही नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों इस समय में आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जीवन का एक नया रास्ता साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक जान लेंगे, अंत तक देख लेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा, बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, जिन्हें दोस्तों आप अपने जीवन काल में याद रखिए और जिन्हें अपने जीवन काल में याद रखेंगे तो दोस्तों आपका जीवन बहुत ही अति उत्तम गुजरेगा, परेशानियों से दूर रहेगा, हर मुश्किल परिस्थितियों में आपके अंदर एक नई सोच जागृत होगा जिसे दोस्तों आप हर समस्याओं का समाधान तुरंत प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी दोस्तों आप हर एक बातों को समझ पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के जीवन काल के अगले 72 घंटों में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, साथी किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखने होंगे, इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, समय निकालकर आप इन्हें अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बात से जो कि आपके जीवन काल में कई अच्छी इच्छा शक्ति जागृत कर देंगे। बस दोस्तों आप इन्हें ध्यान में रखिए कि दोस्तों छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उनकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा सा हो तुमसे उनके इस अंदाज में भी खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनके लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में ही खुश रहो। खुशियों को इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में ही खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसका तात्पर्य यही है कि जो भी आपके जीवन काल में स्थितियां चल रही है, आप उनमें अपनी अच्छाई को देखिए और उनमें खुश रहिए। तो दोस्तों ईश्वर अगर आपको इस चीज में रखना चाह रहा है तो दोस्तों ये उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा में आप अपनी इच्छा देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी, बहुत ही खुशी का अनुभूति आप करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप यह बातों को समझ पाए हैं, अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं अगले 72 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आप आराम तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करने के मूड में रहेंगे। किसी लाभदायक महत्वपूर्ण सूचना के मिलने से आपके मन में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। दोस्तों यश में ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही दोस्तों घर के बदलाव संबंधी कोई योजना भी यश में आप बना सकते हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इसको उपरांत ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थिति को संभाल लेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपको समय व्यर्थ ना करना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपको अपने अंदर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों परिस्थिति आपके खिलाफ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक बातों का असर जो है आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। लोगों के प्रति बढ़ती बदले की भावनाओं को मिटाने की यश में कोशिश करें, इनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में यश में आपको परिवर्तन करने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगा। रिश्त प्रवृत्ति के कार्यों से जो है आपको इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों सुकून और आराम पाने की चाह में कुछ समय मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परंतु दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाने से परहेज आपको करना चाहिए। मन में कुछ चंचलता जैसी स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों आपके अंदर जो है कुछ ईगो की भावना जैसी उपज सकती है और दोस्तों अगर आप ऐसे भावनाओं को करेंगे तो आपके कार्य में नुकसान हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों इन सभी से आपको बचना चाहिए। अगर इसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको उचित परिणाम यश में मिलने वाले हैं।
और इसके प्रणाम दोस्तों यीशु में आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि जिन बातों का डर आपको सता रहा था दोस्तों, उनको मिटाने का मार्ग आपको यीशु में प्राप्त होगा। दोस्तों पैसे से संबंधित निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें, लोगों को परखने में गलती होने की भी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान में और जल्दबाजी में आप कार्यों को यशमी ना करें। शादी दोस्तों यशु में आपको बता दें कि मिले हुए शिव को याद रखकर आपको यशमी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यश में आपके जो भी गलती होंगी उनसे आप कुछ ना कुछ यशमें सीख ही पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि आपका अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके कई कार्यों को हल करने में भी सक्षम करेगा। इसको प्रणाम दोस्तों किसी समाज सेवी संस्था में आपके विशेष योगदान और फिर निष्ठा की वजह से आपको इसमें मान सम्मान और इसमें भी वृद्धि होने वाली है। इसको प्रणाम दोस्तों यीशु में युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को विशेष कार्य की सफलता मिल सकती है। जो भी आप यश में विशेष कार्यों को कर रहे हैं यश में उनमें आपको कामयाबी हासिल होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि इमोशनल होने के बजाय यश में आपको प्रेरणा सोच रखकर लाभदायक स्थितियों का आनंद लेना चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इसको प्रणाम दोस्तों अगर किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों यश में उस पर महत्वपूर्ण बातचीत संभव होगा। घर में बच्चों के पढ़ाई के प्रति आपको आकर्षित रहना और फिर अनुशासित रहना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अस्वस्थता की वजह से कुछ काम भी यश में रुक सकते हैं, तो दोस्तों यश में लापरवाही ना बरतें, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी कभी कभी रहेगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए शांत चित्त रहकर आपको अवलोकन करना चाहिए कार्यों को, और दोस्तों अपनी ऊर्जा को आपको इसमें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इनमें इस्तेमाल कर लिए तो इस पूरे समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों काम में अधिक व्यस्त रहने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता इसमें होने वाली है। पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिले हुए अवसर का पूरा इसमें आपको फायदा उठाना चाहिए, आलस्य से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से आपका रुका हुआ काम भी बन सकता है, इसलिए प्रयासरत समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसमें प्रयास करते रहें। दोस्तों कार्य क्षेत्र में अस्त व्यस्त गतिविधियाँ जो व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी, परंतु कोई भी कार्य शुरू करना आपके लिए पहले उनकी रूपरेखा अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक स्थल पर अपने कार्यों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों दूसरों का हस्तक्षेप आपके बनते कार्यों में कुछ रुकावट भी डाल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आय के साधन इसमें बढ़ेंगे, कोई भी रिस्क लेने से आपको इसमें परहेज करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर भी यश में आपको मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी अपने सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं, कार्य संबंधी कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं, इनका योग यश में बन रहा है, परंतु दोस्तों कोई भी फैसला लेते समय आपको सोच समझ कर उस पर विचार करना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों युवा वर्ग को किसी काम से संबंधित पहली पेमेंट आने से आपको प्रसन्नता प्राप्त रहेगी, और व्यवसायिक गतिविधियां अभी धीमी तो रहेंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पेमेंट आदि आने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनेगी और आप यश में पूरा गदगद भी रहने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में किसी प्रकार की बदलाव होने से तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों आप काम को करते रहें, आपको आगे चलकर इससे फायदे होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए सुनोगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पति पत्नी का जो है एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया घर के सुख शांति बनाकर रखने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि संतान की कोई परेशानी आपको व्यथित रह सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको संतान से लेकर सावधान रहना चाहिए, उनकी हर एक बातों पर आपको कड़ी नजर रखना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समझोगे, आपको बता दें कि प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां यश में आने वाली है, पति पत्नी में किसी समस्या को लेकर नोकझोंक भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी रहेंगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को भी यश में संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए कैसे रहेंगे, दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे,
दोस्तों अपनी योजनाओं अपने कार्य की जीवन साथी की सलाह इसमें आप जरूर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए ये जो सलाह है जीवन साथी की फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों कोई भी कार्य करें इनकी आप सलाह जरूर लें तथा परेशानियों को हल करने में भी ये आपको सहायता करने वाले। तो दोस्तों यश में आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन साथी का यश में आपको सलाह ले लेना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने खान पान को संयमित रखें। बदहजमी की वजह से लीवर संबंधी दिक्कत आ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए यश में नुकसान का कारण बन सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाह यश में ना बने। साथ ही ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह संबंधी जिसको भी परेशानी है वह इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ये आपके लिए बहुत ही गंभीर साबित होंगे। अपनी नियमित जांच इसमें आप अवश्य करवा लें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों अंत में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या समय रहेंगे आपको बता दें कि दोस्तों भरपूर नींद ना लेने की वजह से आपको थकान भी रहेगी। किसी पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर इसमें आपको चिंता सता सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें और कार्य करते समय अपने स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहें।